चलो बोर्ड देखो, तुम समझे वेपराइजेशन क्या हो, वाष्पीकरण। उसके बाद सुना वाष्पीकरण क्या, वाष्पीकरण समझे, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद सुना जाएगा वाष्पीकरण क्या हो, मुझे बताओ। बारिश होती देखिए, कली उड़ते हैं तो जो बारिश होना है, जो वर्षा हो, इसका कारण वेपराइजेशन हो, हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। चलो इसे छोड़ दो, उसे छोटा सा उदाहरण समझते अपने घर का। तुमने कभी पानी गर्म करा क्या? जितना पानी रखा था इतना ही बचाता है या कम बचाता? गर्म करने के बाद कम बचाता, कहाँ चला गया? अच्छा वाष्पन को फूट गया था, दूसरे कुछ अलग अलग कहानों को अलग अलग तरीके का भाप बन को फूट गया है, समझ आदमी का पानी फूक गया, सबके कहने का अलग अलग वही मतलब सबका है वाष्पीकरण। ठीक, जो वर्षा हो रही है ना, वाष्पीकरण क्रिया कारण हो रही। कभी कभी नहर में देखा तुमने कि पानी पहले ऊपर चल रहा था, फिर अगले दिन सुबह गए तुम देखोगे तो पानी कम दिखाई देगा उसका स्तर, कहाँ चला गया? वेपराइजेशन होगा पानी का। समुद्र में भी ऐसा ही हो, समुद्र में भी ऐसा ही हो क्यों ऐसा? इसके पीछे केमिस्ट्री समझनी, आया समझ, इसके पीछे का भूगोल नहीं समझना, इसके पीछे केमिस्ट्री समझनी, ऐसा हो क्यों, क्या कारण हो ऐसा? ठीक, कि वेपराइजेशन होना हो जा और पानी उठ जाएगा। तो पहले हम समझेंगे वाष्पीकरण किसे कहते हैं, आज की हमारी हुई है, फिर लिखवाऊंगा मैं वाष्पीकरण किसे कहते हैं, सुनूंगा पहले वेपराइजेशन क्या हो, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। मान लो तुमने एक बर्तन ले लिया, बर्तन ले लिया उसके अंदर द्रव भर लिया तुमने, द्रव वो भी छोटे उसके भी कुछ अणु होंगे, सुनूंगा मैं तुमसे क्या क्या बताया था। मान लो तुमने एक बर्तन ले लिया उसके अंदर तुमने द्रव भर लिया, जो द्रव है ना प्रत्येक चीज के अंदर एनर्जी हो, दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, जो द्रव होंगे ना उसके अणुओं के अंदर भी एनर्जी होगी और इस पूरे विलयन के अंदर भी एनर्जी होगी, एनर्जी मतलब ऊर्जा होगी, समझ गए, पूरे विलयन के अंदर ऊर्जा होगी और जिसके अंदर जो द्रव होंगे ना उसके अणु होंगे उसके अंदर एनर्जी हो, इसके अंदर भी एनर्जी, हर चीज के अंदर एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। अब देखो जैसे तुम नीचे से तापमान बढ़ाओगे ना, इसका वाष्पीकरण किसे कहते हैं समझा रहा हूं, जैसे तुम नीचे से बर्तन का तापमान बढ़ाओगे तो जो द्रव के अणु होंगे ना, द्रव के अणु होंगे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हो क्या, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या हो, गति करने वाली वस्तु में ना ऊर्जा हो, जो तुम बैठे हुए ना तुम्हारे पास स्थिति ऊर्जा, जो चीज स्थित है ना उसमें स्थिति ऊर्जा हो, हर चलती हुई प्रत्येक वस्तु में गतिज ऊर्जा हो, जो गति कर रहा हो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, मोटरसाइकिल गई ना उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी, तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारे पास स्थिति ऊर्जा होगी, हर चीज के पास एनर्जी, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसके पास एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है, आया समझो। अब ये हाँ जो द्रव के अणु होंगे ना तो इनमें भी ऊर्जा होगी, अब इनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, गति करने वाली ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इनकी, गति द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा इस विलयन के अंदर औसत गतिज ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगी, जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से ज्यादा हो जाना तो ये अणु होंगे ना इसके गर्म करने पर ये उड़ना स्टार्ट कर देंगे, वही बात है, ये वाष्प में बदल जाएंगे, ये अणु ना द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, ये अणु द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब तापमान बढ़ा देंगे, यानी जब किसी विलयन का तापमान बढ़ा जाता, तापमान बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाती है और जो द्रव के अणु होते हैं ना वे ना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था, द्रव की अवस्था से निकलेंगे गैसीय अवस्था में आ जाएंगे और वाष्पन को ऊपर उठते चले जाएंगे, ऐसा करके फिर बादलों का निर्माण करेंगे, फिर वहां ना वर्षा की बूंद के रूप में पृथ्वी पर गिरेगी। इस क्रिया को वेपराइजेशन बोल रहे, वेपराइजेशन वाष्पीकरण, तो कौन सी अवस्था में बदल जाए, द्रव्यमान कौन सी अवस्था में बदल जाए, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में, ठीक, गैसीय स्टेट बोल रहे थे, तो गैसीय स्टेट में चेंज हो जाएंगे, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, जब गैसीय फॉर्म में चेंज हो जाएंगे इस क्रिया को, इस रिएक्शन को वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन। मैं ये बात है दोबारा बता रहा हूँ, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गति विलयन के अंदर, विलयन के अंदर जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो तो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनकी उनकी किनकी द्रव के अणुओं की क्या बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वे गैसीय अवस्था में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। समझ में, तो बादलों का जो बनना हो ना, बादलों का बनना वो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण हो, और दुनिया में तुम अनेक उदाहरण दे सकते हो कहीं भी वाष्पीकरण के, बर्तन पानी में गर्म करा होगा ना, जितना रखा था इतना कभी नहीं बचा, आया समझ में, जितना रखा था इतना कभी नहीं बचा, वेपराइजेशन की क्रिया हो, देखो नहीं दूध तुम चूल्हे पर रख दोगे तो उबड़ उबड़ के बाहर नहीं आता हो,
उसके अंदर वो अपने अंदर वेपराइजेशन की क्रिया कर रहा है, और तुम क्या करो ना उसके ऊपर प्लेट ढक दोगे और उसके ऊपर पत्थर भी रख दो, आधे दिन बदतमीज रखे हुए आया समझ में, तो वाष्पीकरण की क्रिया समझ में नहीं आई, पता लगा बहुत सिंपल है। जो विलयन होगा, विलयन के अंदर ताप पड़ाओगे तो जो उसके अंदर द्रव के अणुओं की गति ऊर्जा होगी औसत ऊर्जा ऊर्जा दर्ज हो जाएगी, जो द्रव के अणु होंगे वे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे, इस क्रिया को क्या बोल लगी वाष्पीकरण, हेडिंग बना लो वाष्पीकरण और लिखो जो मैं बोलता हूं। लिखो जब जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा, जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाए, जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाए, जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाए, जब द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा से अधिक हो जाए तो जब द्रव के अणु गतिज ऊर्जा तो द्रव के अणु कोमा लगाओ गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तब द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जैसे बादलों का बनना, जैसे बादलों का बनना, उमा पानी का गर्म करना, वाष्पीकरण के उदाहरण है, जना लिखो बस, ठीक, पानी का गर्म होना लिख देना, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला जो पुराना डायग्राम यहाँ पे का लिखो सारा इसमें डायग्राम, डायग्राम ही डायग्राम बनाओ, डायग्राम नोट, डायग्राम डायग्राम
V A P I R ATIO1 OM vaporization VAPIR ATIO1 vaporization दिख लगा VAPIR ATIO1 vaporization नेक्स्ट बोर्ड को देख लो अभी तो वाष्पीकरण हो रहा था अभी तो बर्तन के अंदर पानी गर्म हो रहा था जैसे बर्तन के अंदर पानी गर्म हो रहा था ना कुछ लोग बड़े जीव दिखाई देंगे तो वो पता क्या करोगे फिर बर्तन ढक देंगे ऊपर से हो रहा है ढकने दे ऐसा करने से क्या होगा जो द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहे थे ना अभी द्रव के अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के उसके अंदर ही रहेंगे इसका मतलब पता क्या हुआ वाष्पीकरण की क्रिया को ना रोकने के लिए बाहर से ताप लगा दिया वाष्पीकरण की क्रिया हो रही थी ऊपर से रोकने के लिए बाहर से क्या लगा दिया तो उस ऐसे दाब को बोलना वाष्प दाब अगली लड़ी बनाओ वाष्प दाब बस एक करियो लिखो वाष्प दाब लिखो वाष्पीकरण की क्रिया को वाष्पीकरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है वाष्पीकरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है विलयन पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है इसे पी से प्रदर्शित करते हैं बड़े वाला पी लिख इसे पी से प्रदर्शित करते हैं बताओ यहां तक लिख लिया नेक्स्ट ये वाली हेडिंग क्लियर हुई ये वाली हेडिंग क्लियर हुई अगली हेडिंग बनाओ बेटे वाष्प दाब में अवनमन ये समझते हैं अगली हेडिंग बनाओ सब वाष्प दाब में अवनमन राइट में अवनमन की कमी वाष्प दाब में अवनमन राइट में क्या लिखोगे कमी जो तुम्हारे अंदर हो रही है ऐसे समझो एक बात और सुनो ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से कितना आसान इस वाले डायग्राम को देखो ये शुद्ध विलायक भरावास में शुद्ध विलायक जैसे जल भरावास के अंदर इसमें अवस्थिर या विद्युत अणु घट के पदार्थ मिलाए जैसे मिलाओगे ना इसकी तापमान में कमी आ जाएगी क्या जाएगी तो वाष्प दाब में अवनमन इसे बोलते हैं बाद में ना कहा जैसे में विद्युत अणु घट के पदार्थ मिलाओगे और बाहर से ढक दोगे तो क्या कहलाएगा वाष्प दाब कहलाएगा ढक दोगे क्या कहलाएगा वाष्पीकरण की क्रिया जाती है नहीं जाती तो उसके तापमान में कमी आ जाएगी कुछ ऐसे पदार्थ मिला दो उसमें देखो तुमने देखा होगा जब दूध उबलने वाला हो ठीक कंकड़ पत्थर डाल दो कंकड़ पत्थर दे दो अणु घट्ट पदार्थ कहलाए दूध नीचे नहीं बैठ जाएगा पक्का देगी तू
कुछ भी डाल के देखो, पानी के छींटे डाल दो, कुछ दूसरा पदार्थ भी डाल दो उसमें, उसे क्या उसके तापमान में कमी आ जा, और जो तापमान में कमी आ जा ना, उसे बोल लो वाष्प दाब में कमी आ गई, उसे बोल लो वाष्प दाब में वनमन। चाय में कैसे ही हो, चाय की जो प्लेट बार बार ऊपर नहीं उठाती, उसमें तो तुम दूसरा पदार्थ डाल दो, कुछ भी पदार्थ डाल के देखो जो नहीं खुलता हो। अच्छा विद्युत घट पदार्थ डालना, जैसे तुम डाल लोगे ना, तुरंत नीचे बैठ जाओ, क्यों, क्योंकि उसके तापमान में कमी आ जाएगी, और जो तापमान में कमी आ जाएगी ना, तो फिर उसकी वाष्पीकरण वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, जब वाष्प दाब में कमी आ जाएगी ना, उसे वाष्प दाब में वनमन बोल लोगे। क्या बोल लोगे, लिखो 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 लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ पहले, ये वाला डायग्राम वाष्प दाब में वनमन है नहीं बना के, वाला डायग्राम बनाओ। ओ तू रहोगे तुम देसी यार, देसी देसी ना बोलिया कर। घड़ी बना ली, ढाई ग्राम बना लिया, बना लिया ढाई ग्राम, लिखना चाह रहे हो लिखो, जब जब किसी शुद्ध विलायक में जब किसी शुद्ध विलायक पदार्थ में अवाष्पशील या विद्युत अनुघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, जब किसी शुद्ध विलायक पदार्थ में अवाष्पशील पदार्थ या विद्युत अनुघट्य पदार्थ मिलाया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो उसके वाष्प दाब में आई कमी को ही वाष्प दाब में वनमन कहते हैं, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, तो उसके वाष्प दाब में आई कमी को ही वाष्प दाब में वनमन कहते हैं। केमिस्ट्री बहुत है साहब, वाष्प दाब में वनमन कहते हैं, लिख दिया, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा का लिखना, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, डेल पी भी कह सकते हैं, डेल पी, इसे डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, शुद्ध लिखो, डेल्टा पी बराबर पी ए माइनस के पी नो पी, डेल्टा पी बराबर पी ए माइनस के पी, लिख दिया। अब इसका मतलब बताते हैं, डेल्टा पी का क्या नाम है और पी ए का क्या नाम है और पी का क्या नाम है। मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा पी का नाम है वाष्प दाब में वनमन, पी ए का नाम है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी का नाम है विलयन का वाष्प दाब, तीनों चीज बताओ ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, डेल्टा पी का नाम है वाष्प दाब में वनमन, पी ए का नाम है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पी का मतलब विलयन का वाष्प दाब, किसका, विलयन का वाष्प दाब। अब लिखो, जहां नीचे लिखो, जहां डेल्टा पी का नाम लिखो, जहां डेल्टा पी बराबर वाष्प दाब में वनमन, डेल्टा पी बराबर वाष्प दाब में वनमन, वाष्प दाब में अनननी अवनमन, नाम भी साफ कर ले रहे हो, वाष्प दाब में अवनमन, लिख लिया, इसे लिखो पी ए बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब,
ठीक लिया, फिर लिखो P बराबर, नीचे P बराबर विलयन का वाष्पदाब। सवाल कैसे पूछा जाएगा पेपर, वो सवाल भी लिख लो, क्वेश्चन लिखो नीचे इसके, क्वेश्चन इस पर कैसा सवाल पूछेगा। वाष्पदाब में अवनमन पर टिप्पणी लिखिए, वाष्पदाब में अवनमन पर टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन लिखो वाष्पदाब में अवनमन पर टिप्पणी लिखिए। तो वाष्पदाब के बारे में जो मैंने बुजुर्ग बताया कुछ छा पेपर में, तो वाष्पदाब में अवनमन ये लिख दिया जाएगा फिर कॉपी में। इस चैप्टर के दिन आ लिए, कल को लास्ट दिन है इसका। वाष्पदाब में अवनमन पर टिप्पणी नहीं टिप्पणी, मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा है, तुम ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हो, थम्स अप करवा लो। डेल्टा पी का नाम बताओ, मुझे क्या है पी का नाम बताओ। जब भी तुम कभी भी डेल्टा पी का मान निकाल लोगे ना, उस तो रख देना ऊपर, ऊपर रख देंगे शुद्ध विलायक का वास्ता नहीं, उसे लिख दो नीचे, तो नाम बदल जाएगा। वो निकल का था वास्ताप का अपेक्षिक अवनमन, भाई डेल्टा पी का मान तो निकाल ही लोगे, डेल्टा पी का मान कहा रख देना, पी ए का मान कहा रख देना, निकल का क्या आएगा पेपर में भी पूछा जा सकता। वास्ताप के अपेक्षिक अवनमन पर टिप्पणी लिखिए, तो फिर क्या लिखेंगे, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्पदाब दोनों के अनुपात को वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। जो बताया वही लिखना, नहीं तो बहुत जटिल लैंग्वेज है इसकी, लिहाड़ी मनाओ। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन प्रणाली, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन लिखो, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब का अवनमन, अच्छा लिखो वाष्पदाब का अवनमन, वाष्पदाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, वाष्पदाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, तथा शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब दोनों के अनुपात को, दोनों के अनुपात को वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। दोनों के अनुपात को वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। नीचे सूत्र लिखो, वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर डेल्टा पी अपॉन पी एन ओ, नीचे सूत्र लिखो। हम लोगों ने पूछा था कहीं पद्धति करते हैं, अभी ज्यादा हाई वोल्ट का दिमाग चलाओ। वाष्पदाब का क्या लिखा है, वाष्पदाब का अपेक्षिक अनन्य अवनमन बराबर जो डेल्टा पी का मान नहीं होता है, पी ए माइनस ई पी, पी ए माइनस के पी, ऐसा लिखते हो सूत्र में बटे में पी ए, लिखो इसके बराबर करो, ये भी लिख दो, ये भी इसका सूत्र है। डेल्टा पी ए पॉन पी ए, डेल्टा पी का मान पी ए माइनस के पी ए पॉन पी ए, सवाल लिखो प्रश्न कैसा सवाल लगा। वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन पर टिप्पणी लिखिए, क्वेश्चन लिखो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, कोई दिक्कत, अगली आईडी बनाओ राउल्ट का नियम, राहुल नहीं राउल्ट का, ऐसे बना ऐसे।
ऐसे नहीं बनाने आने राउंड का नहीं। राउल्ट ये मैंने डैडी राउल्ट का नियम देखो राउल्ट के नियम। राउल्ट के नियम में हम विलेन का वास्तव निकालते हैं। यूपी है ना, इसका नाम है विलेन का वास्तव। कुछ नहीं लिखना कोई भी अभी वीरेन का वाष्प दाब। वाष्प दाब पीए का नाम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अभी थोड़े पहले भी लिखा था शुद्ध विलायक का एक्स का नाम मूल प्रभाज। मूल प्रभास प्रभास नहीं प्रभाज प्रभास याद आ रहा बाबू बोलिए। अब राउल्ट का नियम क्या हो इसे भी समझ। राउल्ट का नियम क्या हो वीरेन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वीरेन का वाष्प दाब जितना बताया उतना ही लिखना टिप्पणी आगे देखो लिख दो। वीरेन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा पदार्थ के दाब के मोल प्रभाज पदार्थ के मोल प्रभाज के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अभी पहले जितना कहा इतना लिखो। एडी मनो राउल्ट का नियम मनाल एडी राउल्ट का नियम लिखो। किसी विलयन का वाष्प दाब 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 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा पदार्थ के मोल प्रभाज दोनों गुणनफल के बराबर होता है तथा पदार्थ के मोल प्रभाज दोनों के गुणनफल के बराबर होता है पदार्थ के मोल प्रभाज दोनों के गुणनफल के बराबर होता है गुणनफल के बराबर होता है। लिख दिया यहां तक नीचे लिखो P बराबर पी ए इंटू एक्स है सारे लिख डालो ये कल इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा। कल हम पढ़ रहे होंगे इसमें राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे एक तो ठीक और पढ़ेंगे हम राउल्ट के नियम को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे इसमें सवाल करेंगे जो पेपर में आए हैं पिछले सालों के सवाल सब करेंगे। और हम इस चैप्टर में ना कल बहुत अच्छा नियम पढ़ने वाले हेनरी का नियम बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला तुम हेनरी के नियम हेनरी का नियम उसकी सीमाएं और उसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल इस चैप्टर का ना दी एंड कल इस चैप्टर की अंतिम यात्रा फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री में समझ गए। तो कल चैप्टर की कौन सी यात्रा सभी को आना अनिवार्य है अंतिम यात्रा में जरूर आना चाहिए यही चैप्टर की अंतिम इच्छा पेपर में आता है। कौन से मार्क का कौन सी बुक पेपर में आएगा तेरे सवाल कोई बात नहीं तो पढ़ दे एडवांस पढ़ी जितना पढ़ना कोई दिक्कत पड़ेगी कोई डिस्काउंट नहीं जितना पढ़ना जबरदस्त तरीके से 2027 में सिलेबस पूरा हो आया समझ में कोई दिक्कत। तुम चाहे ना घर जाकर जितना मैंने लिखवाया पहले चैप्टर में जो चैप्टर पढ़ाया मैंने पिछले सालों के सारे सवाल करो घर बैठ कर जाकर ठीक जितने भी सवाल पिछले सालों के पेपर मार के पिछले सालों के पेपर खरीद लो एक दो सवाल ऐसा दिखा देगा जो तुम सही हो रहा है एक हो रहा है और सबसे अधिकांश तुम कॉपी में मिल जाएगा सब समझ में। तो आज इसे ये रोकते हैं केमिस्ट्री का बायोलॉजी वाले सोच ले जाओ मोड़ दिए।